वेलकम टू संजय बेरी ब्लॉग्स। दोस्तों आपका स्वागत है संजय बेरी ब्लॉग्स में। तो मैं दोस्तों आज इस ब्लॉग में दिखाऊंगा कि रोटी उत्तराखंड में किस प्रकार से बनाते हैं घर के, मेरी चाची किस प्रकार से रोटी बना रही है घर के, इसमें ये दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये चावल की रोटी है। दोस्तों चावल की रोटी किस प्रकार से बना रहे हैं घर के, यहाँ पे ऐसे सोगुड़ में रोटी बनाते हैं। कि कौन है चाची? चावल रोट। क्या क्या बोन है, क्या रोट बोन है? चावल की रोटी बना रहे हो? अच्छा तो क्या दिया खाली जगह? अच्छा नमक देगा खाली? अच्छा ये नमक के साथ। हाँ इसको घी और नमक के साथ खा सकते हैं चावल की रोटी। ये देखिए एकदम वाइट वाइट है और ये चूल्हे पे बना रही है। ये दिन में जो रोट खाए यार, तो काम करने वाले है। अच्छा तो घ्यू रोट बोनी बल रोट बोनी तो चावल रोट पिसू ना है ना पा तक ऊपर बोना आनी बता चाय के कौन है? हाँ लहसुन के लून। अच्छा चार चार वाट खा ले, चार वाट खा ले हगला है तो मोटर वाट बोन है को खाए हगल ये जन ही सात वाट बबरी तो दो को खाए हगण है चार वाट है ए दूर वाट खाने दो बाल तो तन वाट है। अच्छा ये शुद्ध पहाड़ी खाना है, घी है नमक है रोटी, जो ये क्या कहते हैं चावल की रोटी है उसके साथ ये घी भी खाएंगे नमक भी खाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसका खाने का टेस्ट किस प्रकार से है करके इसके बाद देखेंगे, खा के हम लोग बताएंगे कश हुई है कसर हो गए उसका बात बतूने। तो ये रोटी लेके जा रहे हैं, ओके हम अपनी रोटी लेके, ये चाय भी है इसके साथ चाय भी, ये चाची चाय लेके जा रही है चाची, चाह का नहीं जाना है तो जंगल है, लकड़ी काट रहे हैं आज तो ये उनके लिए भोजन है, नाश्ता है, वैसे शाम का समय है तो नाश्ता हुआ। वो देखिए योगेश की गाड़ी भी आ गई, स्कूल से आ रहा होगा वो, तो जान गया हम लोग लग गया बाट। तो ये दोस्तों आ गए हम लोग, ये देखिए कितना प्यारा है और यहाँ पे लकड़ी काट रहे हैं तो उनके लिए ये भोजन है। देखिए इनकमिंग, तो आप शुरू करेंगे ये देखिए लकड़ी काटने के लिए, अरे छाई भी है और ये केतली जिसमें चाय है चाय के साथ। पता तो हर बार क्यों तुमने है कह दिया क्या मन ना उन्हें पता मरने पाह का क्या पास तुम बोले ना तो ड्राइवर मत ना मैं बात बाबा होने चाहिए द द लारे तो गिरा है ना ठीक रोड में बिलाने चले हो आप क्या तू दादाजी भी हो मैं ढूंढ लगा। इस प्रकार से ये रोटी में रख के खाएंगे, नाश्ता है वैसे खाना ऐसे रोटी में घी के डाल रख के पहाड़ी घी इस प्रकार से खाया जाता है जंगल में पहले जमाने में इस ऐसे भोजन का ज्यादा
स्वाद लेके खाते थे, आजकल क्या चल गया, सब्जी सब्जी के साथ खाते हैं, तो ये वाला फैशन आप भूल ही गए हैं। क्या हो गया दादा, इनका घी बहने लगा, पी लियो पी लियो। चलो हम भी खाना शुरू करते हैं, टेस्ट करके बताएंगे किस प्रकार से इसका स्वाद है करके, बताते हैं किस प्रकार से है करके। देर के ना हाँ क्या डरने है तो क्यूज़न में अच्छा स्वाद है। अच्छा देर खुश का भी लाना हमें खाए दें। ओह तूने देर हाँ देर खाने 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 ये मुर्गी जो थोड़ा मुर्गी लगो बात दोस्तों। अब हमारी यहाँ पे चाय गरम होगी, चाय ठंडी होगी थी जो हम केतली में, अब यहाँ पे गरम करेंगे, आग जला दी है हरीश ने, अब इसको गरम करेंगे। ये जो शालू बोल चीड़, हाँ चीड़ का जो वृक्ष होता है उसमें से जो बीज होता है शूत बोलते हैं जिसको, उससे हम उसका जो फल होता है उससे जला रहे हैं इसको। ये काफ़ी अच्छा जलता है जिसके कारण ये आग ज़्यादा तेज़ जल रही हमारी। अब देखते हैं हाँ गर्म हो सकती है इसमें से कितली चा चार गिलास कितल गिर गला रे बाजली बाजली कितल का कितल का मुला आज ये देखे दोस्तों गरम होने लगी हमारी चाय। केतली का चाय इतना स्वादिष्ट होता है जो बाहर आप देखे होंगे, बाहर मार्केट में भी उसमें बनाए कुल्लड़ या किसी और बर्तन में भी बनाते हो, ऐसा चाय नहीं आप मिलेगा आपको जैसा आप केतली में। इसका स्वाद ही कुछ और होता है, ये उत्तराखंड की एक फेमस चीज़ है जिसमें चाय बनाने के लिए हर किसी के घर में आपको केतली देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं चाय का मज़ा लेते हुए। ये दोस्तों बन चुकी है हमारी चाय, बन चुकी है, गर्म हो चुकी है, अब इसका टेस्ट लेंगे हम किस प्रकार से चाय, सबको चाय देंगे। उबल चुकी है हाँ, अब इसी पे एक चाचा एक कितली चार गिलास वाला आप सॉन्ग सुनाएंगे। एक कितली चार गिलास वही वाला सिस्टम है, तो एक कितली चार गिलास वाला, चार गिलास बने भी है, चार लोग हैं भी और एक कितली है हमारे पास और चार गिलास भी है। तो अब दोस्तों ये चाय का मजा लेते हैं। मजा आ गया दोस्तों, केतली का चाय पीने में जो मजा आया, मजा आ गया। दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।